नमस्कार दोस्तों स्वागत है आपका हमारे चैनल टारगेट फॉर आई एस एम पी पी एस सी बिथ के के आज है तेरह अक्टूबर दो हजार बाईस और हम लोग डिस्कस करने वाले हैं आज का मध्य प्रदेश का करंट अफेयर काफी अत्यंत इंपॉर्टेंट होने वाला है दोस्तों यह करंट अफेयर इसकी पी डी एफ आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी लिंक डिस्क्रिप्शन में है क्योंकि हम लोग डिस्कस करने वाले हैं राष्ट्रीय किशोर कुमार सम्मान दो हजार इक्कीस से किसे सम्मानित किया गया काफी प्रिस्टीजियस यह सम्मान है और इसको आपको याद रखना है क्योंकि इससे क्वेश्चन सीधे सीधे पूछे जाते हैं जितने भी अवार्ड्स होते हैं उन सबकी पी डी एफ

अनुपम खेर या फिर गोविंदा इसका राइट आंसर है दोस्तों आपको ऑप्शन नंबर एक श्री विवेक अग्नि रंजन अग्निहोत्री को किशोर कुमार सम्मान 2021 से सम्मानित किया गया है दिस इज मोस्ट इंपॉर्टेंट टाइप्स ऑफ क्वेश्चन दैट यू शुड रिमेंबर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं आप सभी को मालूम होना चाहिए जितने भी अवार्ड हैं कोविड के कारण वह नहीं दिए गए हैं इसी कारण से इन सबको एक साथ दिया गया है इस बार तो इनकी घोषणा पहले हो गई थी अगर जो लोग डेली बेसिस पर मेरा करंट अफेयर डिस्कस करते हैं उनको मालूम होगा इनकी घोषणा काफ़ी पहले हो गई थी परंतु अब यह कार्यक्रम के माध्यम से मध्य प्रदेश का जो संस्कृत मंत्रालय है जिसकी मंत्री कौन है उषा ठाकुर जी हैं वही मध्य प्रदेश की पर्यटन मंत्री हैं और संस्कृत मंत्रालय के अंतर्गत ही आनंद विभाग आता है और आनंद विभाग की स्थापना करने वाला

किशोर कुमार सम्मान 2020 से सम्मानित किया जाएगा राष्ट्रीय किशोर कुमार सम्मान 2019 से किसे सम्मानित किया जाएगा आपको ऑप्शन एक है श्री अशोक मिश्रा राकेश सिंह अनिरुद्ध चौहान या फिर राहुल सिंह राइट आंसर इज डेट ऑप्शन नंबर वन श्री अशोक मिश्रा को तो राष्ट्रीय किशोर कुमार सम्मान 2019 से किसे सम्मानित किया जाएगा श्री अशोक मिश्रा जी को सम्मानित किया जाएगा अब आपको याद रखना है यहां पर कि सबसे अधिक इम्पोर्टेंट फैक्ट आपको याद रखना है कि जो किशोर कुमार है उनका जन्म कहाँ हुआ था मध्य प्रदेश में हुआ था खंडवा से है संबंधित थे इसलिए इसको आपको याद रखना है और जो किशोर कुमार सम्मान है पूरा का पूरा कार्यक्रम आप देखें किशोर कुमार एक महोत्सव आयोजित किया जाता है वह कहाँ पर होता है वह खंडवा में ही उसका आयोजन किया जाता है और लता मंगेशकर सम्मान का आयोजन कहाँ पर किया जाता है दोस्तों इंदौर में किया जाता है और आपका जनजातीय महोत्सव का आयोजन कहाँ पर किया जाता है इंदौर में ही किया जाता है दोनों के दोनों कार्यक्रमों का वहीं पर आयोजन किया जाता है इसी के साथ में आप देखेंगे दोस्तों काफ़ी अधिक इम्पोर्टेंट है इकबाल सम्मान भी काफ़ी अधिक इम्पोर्टेंट है नाइनटीन आपका सेवेंटी सिक्स में इसकी शुरू नाइनटीन सेवेंटी एट में इसकी शुरुआत हुई थी तो इस तरीके से जितने भी आप देखेंगे इन सब को आपको देखना है याद रखना है कबीर आप देखेंगे दोस्तों कबीर सम्मान नाइनटीन में किया

राष्ट्रीय किशोर सम्मान सम्मान इन्हीं के द्वारा दिया जाएगा अशोक मिश्रा श्री अमिताभ भट्टाचार्य एवं श्री विवेक रंजन अग्निहोत्री को सम्मानित किया जाएगा क्रम आप याद कर सकते हैं विवेक रंजन अग्निहोत्री दो हजार इक्कीस अमिताभ भट्टाचार्य दो हजार बीस और श्री अशोक मिश्रा दो हजार उन्नीस देखते हैं संस्कृति पर्यटन और धार्मिक न्यास एवं धर्म मंत्री सुश्री उषा ठाकुर खंडवा में मैंने आपको बताया था इसका आयोजन कहाँ पर होता है खंडवा में क्योंकि यहीं पर इनका जन्म हुआ था और इस जो अवार्ड है इसकी शुरुआत कब की गई थी दोस्तों आगे मैं आपको बताऊंगा चलिए पहले हम इसको देख लेते हैं यहाँ पर संस्कृत पर्यटन धार्मिक न्यास एवं मंत्री सुश्री उषा ठाकुर खंडवा में तेरह अक्टूबर के, लिए के मिश्रा, वर्ष 2020 में गीत लेखन के लिए श्री अमिताभ भट्टाचार्य वर्ष दो हजार इक्कीस में निर्देशन के लिए श्री विवेक रंजन अग्निहोत्री को राष्ट्रीय किशोर कुमार सम्मान से अलंकृत किया जाएगा राष्ट्रीय किशोर कुमार सम्मान की स्थापना कब की गई थी यह मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन आपको एक 1998 1996 1995 इसका राइट right आंसर है दोस्तों 1997 में राष्ट्रीय किशोर कुमार सम्मान की स्थापना की गई थी अब यहाँ पर आपको कुछ प्रमुख सम्मान और अवार्ड कार्यक्रम है कहाँ पर होते हैं कब कब इनकी स्थापना की गई थी सब कुछ मैं आपको यहाँ पर बताने की कोशिश करता हूँ सबसे पहले आपको याद रखना है दोस्तों तानसेन अवार्ड काफ़ी अधिक इम्पोर्टेंट है इसका पूरा का पूरा आयोजन कहाँ पर होता है ग्वालियर में होता है इनकी कब्र भी ग्वालियर में दोस्तों इनके गुरु हुआ करते थे उनका नाम था यहाँ पर मैं लिख देता हूँ गौस मोहम्मद खान और इनकी समाधि भी ग्वालियर में और उन्हीं के पास में तानसेन की समाधि बनाई गई है इसके साथ ही साथ दोस्तों आपको याद रखना है तानसेन रीवा के बघेल शासन के रा राजा थे उनका नाम था राजा रामचंद्र इनके दरबार में क्या हुआ करते थे गायक हुआ करते थे और इन्हीं को जलाल खां को भेजा था अकबर ने इनको यहाँ से राजा रामचंद्र के दरबार से ले जाने को तो इनका जो ओरिजन है वह कहाँ पर है यहीं से है तो इसको आपको याद रखना है काफ़ी हद इम्पोर्टेंट है इसके साथ ही साथ में याद रखना है मध्य प्रदेश की सबसे बड़ी जो कब्र बनाई गई है दोस्तों वह राज तानसेन की है तो इसको भी आपको याद रखना है अब तानसेन समारोह की शुरुआत कब हुई थी नाइनटीन में इसकी शुरुआत हुई थी अब उन्नीस में कुछ अन्य इंपॉर्टेंट अवार्ड हैं जिनकी शुरुआत हुई थी तो उनको भी याद रख लीजिए जैसे कि शिखर सम्मान को याद रख लीजिए कबीर सम्मान को याद रख लीजिए तीनों के तीनों तानसेन शेखर और कबीर तीनों के तीनों कब हुई थे दोस्तों तीनों के तीनों नाइनटीन एट्टी में 1980 में इनकी स्थापना की गई थी कब की गई थी 1980 में स्थापना की गई थी तीनों के तीनों के सम्मानों की स्थापना 1980 में की गई थी तो इसको आपको याद रखना है डीपली तरीके से याद रखना बिल्कुल भी नहीं भूलना है अब आपको कुछ इंपॉर्टेंट और बता देता हूं फैक्ट जैसे कि जनजाति महोत्सव मैंने आपको बता दिया इंदौर में आयोजित होता है एक होता है अनु गूंज याद रखिए इसका आयोजन उज्जैन में किया जाता है और अभी हाल ही में उज्जैन में महाकाल लोक इस बर्ड को याद रखिए महाकाल लोक का उद्घाटन लोकार्पण किसके द्वारा किया गया प्रधानमंत्री मोदी जी द्वारा किया किया कब गया 11 अक्टूबर को किया गया और अभी हाल ही में आप देखेंगे हमारा नेशनल पार्क है कुनो उसमें जो आपके चीता को छोड़ा गया था कब छोड़ा गया था सत्रह सितंबर मोदी जी के जन्मदिन पर इसको भी याद रखिए नमीबिया चीते लाए गए हैं उन्नीस के बाद से अब चीतों का अस्तित्व मध्य प्रदेश हमारे देश में आया है उन्नीस में है खत्म हो चुके थे यहाँ पर इसी के साथ साथ आपको यह भी याद रखना है दोस्तों अत्यंत फैक्ट यह भी है कि जो अनुगुंझ समारोह है इसका आयोजन कहाँ पर होता है उज्जैन मैंने आपको बता दिया पूरा अच्छे तरीके से इसको याद रखिए इसके साथ ही साथ में दोस्तों गोट हमेशा पूछा जाता है गोट मार मेले का आयोजन कहाँ पर किया जाता है छिंदवाड़ा में इसमें पत्थर माल भी मिला इसे कहा जाता है एक दूसरे के ऊपर पत्थरों से हमला किया जाता है हमेशा चर्चा में रहता है इसलिए इसको याद रखना है काफी अधिक इंपोर्टेंट हो जाता है दोस्तों आपको इसको याद रखना है इसके साथ ही साथ में मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा उर्स का मेला कहाँ पर होता है भोपाल में होता है तो इसको भी याद रखिए काफ़ी अधिक इम्पोर्टेंट यह भी हो जाता है आगे बढ़ते हैं राष्ट्रीय किशोर कुमार सम्मान इसकी स्थापना 1997 में की गई थी यह सम्मान दीर्घ साधना श्रेष्ठ उपलब्धि के मापदंडों के आधार पर प्रदान किया जाता है यह सम्मान अब तक सिनेमा जगत के कई विशिष्ट व्यक्तियों को प्रदान किया जा चुका है जिसमें श्री हरिकेश मुखर्जी नसरुद्दीन शाह श्री गुलजार बी आर चोपड़ा श्री अमिताभ बच्चन श्री श्याम बनेगल श्री सत्तुघन सिन्हा श्री मनोज कुमार श्री एस चोपड़ा श्री आनंद देवानंद श्री दिलीप कुमार सहित अन्य नाम शामिल है यह खास खास नाम है जो कि मैंने यहाँ पर लिखे इनको याद कर लीजिएगा क्यों याद कर लीजिएगा क्योंकि क्वेश्चन घुमा के पूछ लेगा इनमें से

टेलीग्राम चैनल को जरूर से जरूर ज्वाइन करिए पिन मैसेज में आपको एक जिला एक उत्पाद मिल जाएगा बावन के बावन जिलों में कौन कौन से उत्पाद निर्धारित किए गए हैं सभी कुछ आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा प्रदेश में जल जीवन मिशन में ग्रामीण परिवारों को हर घर जल उपलब्ध कराने के लिए जल संरचना और निर्माण का सिलसिला जारी है जल प्रदाय योजनाओं का निर्माण मिशन गाइड के अनुरूप गुणवत्ता और निर्धारण समय सीमा में पूरा किए जाने के उद्देश्य से राज्य स्तरीय कार्यशाला तेरह अक्टूबर को प्रातः ग्यारह बजे को सभा ठाकरे सभागार भोपाल में आयोजित की जाएगी आज का सबसे अधिक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन यहीं पर मैं सेकंड इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इसे कहूंगा कि सुक कुमार सम्मान के बाद में एक बार और मैं इसको डिस्कस कर चुका हूं जब इसकी घोषणा हुई थी और अब हाल ही में इसका कार्यक्रम संपन्न किया गया है तो इसको याद रखना है इससे अन्य और इम्पोर्टेंट फैक्ट निकले हैं एमओयू हस्ताक्षर किया है मध्य प्रदेश सरकार ने डिक्की के साथ में उसको भी मैं यहाँ पर आपको बताऊँगा तो देखते हैं इंडियन दलित इंडियन चेम्बर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री का मेगा बिजनेस कंक्लेव किस शहर में आयोजित किया गया तो इसका आंसर तो आप सभी को मालूम ही होगा भोपाल में इसका आयोजन किया कह पहले मैं बता चुका हूं परंतु आज मैं दोबारा ऐसे क्यों डिस्कस कर रहा हूं क्योंकि इससे संबंधित इंपॉर्टेंट फैक्ट निकले हैं तो देखते हैं हम लोग यहां पर दलित इंडियन चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स इंडस्ट्री का मेगा बिजनेस कंक्लेव। आज मुख्यमंत्री श्री चौहान उद्यमीष्ठ करेंगे संवाद मध्य प्रदेश सरकार और डिक्की के मद होगा एमओयू दलित इंडियन चैंबर्स ऑफ कॉमर्स डीआईसीसी की और से मध्य भारत में पहली बार मेगा एस सी बिजनेस कंक्लेव एंड एक्सपो का आयोजन 12 अक्टूबर बुधवार को रविंद्र भवन में होगा कंक्लेव में मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान केंद्रीय मंत्री राज्य के मंत्रीगण विशेषज्ञ सीआईआई और फिक्की से जुड़े बड़े उद्योगपति विशेष रूप से, से उपस्थित रहेंगे आज आपके के आपके क्वेश्चन जय मीणा किस खेल से संबंधित है सेकेंड क्वेश्चन है आपका सिद्धि गुप्ता किस खेल से संबंधित थैंक यू सो मच वॉचिंग दिस वीडियो